Hey guys, welcome back to my channel. And today I'm going to share two products which are making me love my hair even more than before, because अभी जो सीजन चल रहा है उस सीजन में इतना ह्यूमिड होता है कि हेयर फॉल हो जाता है. तो मेरे भी बाल जो हैं वो काफ़ी, इवन दो आई टेक गुड केयर ऑफ माई हेयर, बट बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टू, तो उसमें जो बाल हैं आप उतनी केयर नहीं कर पाते हैं. तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से लग रहे थे, फ्रिजी भी हो रहे थे. एंड बिलीव मी, मैंने बहुत ही मुश्किल से अपना हेयर फॉल ठीक करा था. एंड अगेन इट स्टार्टेड एंड बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई से लग रहे थे. सो उसका सोल्यूशन मुझे तो ये लगता है कि आइदर आई पुट ऑन हेना, बट हेना में भी बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं. तो हेना के साथ आई ऑलवेज यूज अ हेयर मास्क. और इस बार मैंने मंगाया ये पिलग्रिम का हेयर मास्क जो है आर्गन ऑयल हेयर मास्क. एंड आर्गन ऑयल इज रियली रियली गुड फॉर हेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है हेयर मास्क जो होता है आई यूज मोस्टली फॉर नरिशिंग माई हेयर. और उसमें मुझे लगता है कि आर्गन ऑयल एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है वो सबसे ज़्यादा काम करता है ऑन माई हेयर. एंड पिलग्रिम एज अ ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इस ब्रांड के मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं. एंड देन दिस ब्रांड इज 100% वीगन ब्रांड, क्रुएल्टी फ्री है, एंड इट इज़ पैराबिन नहीं है इसमें. तो ऑल दैट केमिकल जो आपको नहीं चाहिए आपके हेयर में वो सारे नहीं है. एंड आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पिलग्रिम और सारे मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मेरे ऊपर सूट भी करते हैं. तो इसीलिए मैंने मंगाया है ये आर्गन ऑयल हेयर मास्क एज सून एज आई कुड, की जिससे बाल जो है मेरे वो पहले की तरह हो जाए. तो वे यू हैव टू यूज इट कि पहले आप शैम्पू कर लें, उसके बाद टॉवल ड्राइड हेयर पे आपको हेयर मास्क लगाना होता है. वेट फॉर 5 to 10 minutes एंड आई विल टेल यू गाइज कि बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं. आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ शावर, मैंने बाल बस अभी ड्राई करे हैं. आई हैव यूज दिस आर्गन ऑयल हेयर मास्क और इसको आई यूज ऑल ओवर माई हेयर एंड देन आई डोंट यूज एनी कंडीशनर, बट इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं. तो हेयर मास्क जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो बाल हैं बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, हेयर मास्क इज द बेस्ट सोल्यूशन. और आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ DIY हेयर मास्क, बट उसमें आप मेथी डालते हैं, आप ये सारी चीज़ें डालते हैं एंड देन इट गेट्स हार्ड कि अब बालों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड इतनी गर्मी में मेरे से वो सारे काम नहीं होते हैं. आई वॉन्टेड हेयर मास्क की जो मेरे बालों को अच्छे से नरिशमेंट दे दे एंड आई गेट बैक टू माई ओल्ड काइंड ऑफ हेयर की जो फ्रिजी नहीं रहते हैं, हेयर फॉल भी कम कर दे. तो उसके लिए मुझे ये बहुत सही लग रहा है कि इससे बालों का जो हाइड्रेशन जो कम हो गया था वो बेटर हो गया है एंड दिस इज हाउ इट इज. तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत सटल सी फ्रेग्रेंस है, बाद में चली भी जाती है व्हेन यू वॉश योर हेयर, बट बालों को बहुत अच्छा कर देती है और एक शाइन भी बालों में आ जाती है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मेरे बाल शाइनी हों और ऐसे लगें कि बालों में अच्छा नरिशमेंट है. और इसके साथ ही मैंने मंगवाया है ये एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. एंड द वे इट वर्क्स कि आप अपने हेयर वॉश कर लें और उसके बाद जब हेयर ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि मेरे अभी हेयर ड्राई हैं, तो आपको जस्ट स्कैल्प में इसको लगा लेना है और ये आपके बाल हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. दिस कम्स ऑल्सो विद ग्रीन टी. तो इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है इन दोनों को लगाने की वजह से ऑल टुगेदर मुझे लगता है दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो एक ड्राइनेस थी मेरे बालों पे, जो ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए थे वो रुक गया है और जो बालों का टेक्स्चर है वो भी अच्छा हो गया है. एंड दिस इज हाउ आई वॉन्ट माई हेयर टू बी, कि अच्छे से शाइन भी हो, झड़ भी ना रहे हों. तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, जो हेयर मास्क है और ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है, वो मुझे तो बहुत सूट कर रहा है.
तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं एंड इफ यू आर लुकिंग टू चेंज योर हेयर केयर रिजीम तो आप जरूर इन दोनों को देख सकते हैं एंड विल गिव द परचेज लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और प्लगम के जो प्रोडक्ट हैं और भी जो रेंज है वो भी आप देख सकते हैं. ये जो सीरम है इसका टेक्सचर भी बहुत सही है कि यू नो वाटर लाइक मुझे इसका टेक्सचर लगता है. दिस इज हाउ इट इज. सो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है. आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस टू शो कि कैसा इसको लगाना है. तो यू हैव टू जस्ट पुट इट ऑन योर स्कैल्प और आप उसको ऐसे ही बस छोड़ दें. तो ये एक ऐसा सीरम है कि जो आपके बालों को ना वो चिपचिपा जो फीलिंग नहीं अच्छी लगती है स्पेशली गर्ल्स को वो नहीं देता है एंड जस्ट स्टेज इन योर हेयर एंड यू नो डज बॉदर योर हेयर कि ऑयली ऑयली नहीं कर देता बालों को. दैट इज वाई मुझे ये एकदम बेस्ट लग रहा है. सी मैंने पूरे बालों में अपना सीरम जो है ये लगा लिया है एंड कोई भी ऑयली जैसा टेक्सचर कुछ नहीं हुआ है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सीरम जो कि ऑयली नहीं करे आपके बालों को तो दिस इज द वन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू वीडियो गाइस. बाय बाय.